सीरीज ऑफ गेम थ्योरी के फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में गेम थ्योरी का एक ऐसा प्रॉब्लम बताऊंगा जिसका सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। डोमिनेंस रूल का अप्लाई करके उसको 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में रिड्यूस करूंगा और उसके बाद फिर फार्मूला के द्वारा उसका मिक्स्ड स्ट्रेटजी मैं निकालूंगा। तो हाई फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MA क्लासेज। मैं हूँ सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ। आप यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। इस वीडियो को मैं अपने क्लास से डायरेक्ट रिकॉर्ड किया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो रूल्स ऑफ डोमिनेंस क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कि इफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रो से आईथ रो ऑफ ए पी ऑफ मैट्रिक्स आर लेस देन और इक्वल टू द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर रो से जेथ रो, देन द प्लेयर ए विल नेवर चूज द आईथ स्ट्रेटजी, और इन अदर वर्ड्स द आईथ स्ट्रेटजी इज डोमिनेटेड बाय जेथ स्ट्रेटजी। क्या कहता है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रो, किसी रो में पी ऑफ मैट्रिक्स का किसी भी एक रो में पी ऑफ मैट्रिक्स का कोई भी अगर एक रो ले लिया जाए आर लेस देन और इक्वल टू द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर रो, एक रो का सारा एलिमेंट दूसरे रो के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। जैसे इस एग्जाम्पल को समझो, यहाँ पर देख रहे हो इस एग्जाम्पल में फर्स्ट रो को और लास्ट रो को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट है -1 और यहाँ पर है 6, तो ये जो है वो स्मॉलर है इससे, ये -2 है और ये 0 है, तो -2 स्मॉलर है 0 से। यहाँ पर 8 है और ये 12 है, तो 8 स्मॉलर हो गया 12 से। तो फर्स्ट रो का प्रत्येक एलिमेंट थर्ड रो के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से या तो लेस देन ही है, इक्वल टू तो यहाँ पर नहीं है, लेस देन है, -1 6 से छोटा है, -2 लेस देन 0 है, 8 लेस देन 12 है। तो अगर किसी एक रो का प्रत्येक एलिमेंट किसी दूसरे रो के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हमेशा लेस देन हो या इक्वल टू हो तो इस रो को प्लेयर ए कभी चूज नहीं करेगा। क्यों नहीं चूज करेगा? क्योंकि इस स्ट्रेटजी को चूज नहीं करेगा क्योंकि इसमें जो गेन हो रहा है वो इस स्ट्रेटजी को चूज करने से जो गेन होगा उससे तो कम गेन हो रहा है और ये चाहता है कि अपने गेन को मैक्सिमाइज करना। तो मान लो अगर ये फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करता है और बी जो है वो फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करता है, तो ये दोनों में से उसके लिए बेहतर कौन सा होगा, ए के लिए कौन सा बेहतर होगा? अगर बी फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करता है तो ए के लिए फर्स्ट और थर्ड में कौन सा बेस्ट होगा? निश्चित रूप से बेस्ट 6 ये थर्ड वाला होगा क्योंकि यहाँ पर इसको 6 यूनिट का गेन हो रहा है। अगर वो सेकेंड चूज करता है प्लेयर भी, उस केस में भी ए के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होगा थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ पर उसको अगर ये फर्स्ट चूज करता है तो -2 गेन हो रहा है और यहाँ पर 0 गेन हो रहा है, तो बेस्ट तो यही हुआ, ये मैक्सिमम हो गया। अगर बी प्लेयर थर्ड स्ट्रेटजी चूज करता है तो भी ए के लिए बेस्ट थर्ड ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट चूज करता है तो 8 उसका पे ऑफ मिल रहा है और यहाँ पर कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड को अगर हम लोग कंपेयर करें तो बी प्लेयर फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से कोई भी चूज करता है तो ए के लिए थर्ड स्ट्रेटजी जो है वो बेस्ट है। तो वो फर्स्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे, फर्स्ट स्ट्रेटजी को नहीं लेंगे, क्योंकि बी प्लेयर कोई भी स्ट्रेटजी क्यों ना सेलेक्ट करे, ए अगर 1 और थर्ड को कंपेयर करता है तो थर्ड में ही उसको मैक्सिमम गेन मिल रहा है। बेस्ट स्ट्रेटजी ए के लिए थर्ड है, वो कभी भी ए नहीं चूज करेगा, तो ए को हम लोग डिलीट कर देंगे और सिर्फ दो स्ट्रेटजी को ही आगे हम लोग कंसिडर करेंगे ए के लिए। तो कैसे डिलीट करते हैं, तरीका क्या है, कैसे हम लोग चेक करेंगे? बस यही चेक करेंगे किसी एक रो का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे रो के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, अगर किसी एक रो का प्रत्येक एलिमेंट कम हो रहा है दूसरे रो के एलिमेंट से, तो उस रो को डिलीट कर देंगे जिसका कम हो रहा है, इसको हम लोग हटा देंगे। ऐसे केस में हम लोग कहते हैं कि ये इसको डोमिनेट कर रहा है, थर्ड रो जो है वो फर्स्ट रो को डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि मान लो आईथ रो का प्रत्येक एलिमेंट जो है
वो ग्रेटर देन है और लेस देन और इक्वल टू करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर रो jth, ith रो का एलिमेंट जो है वो jth रो के एलिमेंट से या तो लेस देन है या इक्वल टू है, देन द प्लेयर ए विल नेवर चूज द ith स्ट्रेटजी, जिसका लेस देन होता है उस स्ट्रेटजी को कभी चूज नहीं करेगा, और इन अदर वर्ड्स द ith स्ट्रेटजी डोमिनेटेड बाय द jth स्ट्रेटजी, जिसका कम होता है वो डोमिनेट होता है किससे, जिसका ज़्यादा होता है। तो jth स्ट्रेटजी में ज़्यादा है और ith स्ट्रेटजी में जो है वो लेस देन है, तो jth स्ट्रेटजी डोमिनेट कर रहा है किसको, ith स्ट्रेटजी को। यहाँ पर इस एग्जांपल में थर्ड स्ट्रेटजी जो है वो डोमिनेट कर रहा है फर्स्ट स्ट्रेटजी को, कभी भी ए जो प्लेयर है वो फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज नहीं करेगा, थर्ड ही चूज करेगा, तो इसीलिए फर्स्ट रो को हम लोग डिलीट कर देंगे, इसको हटा देंगे और आगे हम लोग सिर्फ कंसिडर करेंगे ये दो रो को। तो इसका साइज जो है पे ऑफ मैट्रिक्स का कम हो जाएगा, और साइज कम करने के पीछे क्या रीजन है, जो कल थ्योरम बताए थे कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक फार्मूला बताए थे, तो ये तो 2x2 ऑर्डर में नहीं है, तो इसको 2x2 ऑर्डर में लाने के लिए हम लोग डोमिनेंस रूल का अप्लाई करते हैं और इस पे ऑफ मैट्रिक्स का साइज को कम करते हैं, ताकि हम लोग उस थ्योरम को अप्लाई करके फिर इसको सॉल्व कर सके, क्या ठीक है ये। तो ये फर्स्ट रूल हुआ डोमिनेंस का। अब सेकेंड रूल क्या है जरा देखो, ये सेकेंड रूल कहता है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए कॉलम से आरथ कॉलम ऑफ ए पे ऑफ मैट्रिक्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर कॉलम से एसथ कॉलम, यानी कि सपोज करो आरथ कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर कॉलम, सपोज कर रहे हैं एसथ कॉलम, तो आरथ कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट एसथ कॉलम से या तो बड़ा है या फिर इक्वल टू है, तो वैसे केस में बी प्लेयर जो है विल नेवर चूज द आरथ स्ट्रेटजी, जिसमें ज़्यादा है एलिमेंट उसको चूज कभी नहीं करेगा, वो आरथ को कभी चूज नहीं करेगा, क्योंकि आरथ में जो है वो एसथ से ज़्यादा एलिमेंट है, ध्यान देना, ए जो है वो मैक्सिमम वाला को चूज करना चाहता है और बी जो है वो मिनिमम वाला को चूज करना चाहेगा, क्यों, ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर है सपोज करो ये मैट्रिक्स, तो ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स जो बनाया गया है वो प्लेयर ए के लिए बनाया गया है, मतलब प्लेयर ए को कितना गेन हो रहा है, वो यहाँ पर 3 लिखा हुआ मतलब 3 रुपीज़ का गेन हो रहा है या 3 यूनिट का गेन हो रहा है प्लेयर ए को, और बी को क्या हो रहा है 3 का लॉस हो रहा है, तो ये बी को लॉस दिखाता है। तो मान लो अगर ये और ये दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर इसको 3 का लॉस हो रहा है और इसको यहाँ पर 4 का लॉस हो रहा है, तो क्या वो 4 का लॉस सहना चाहेगा, क्या वो 4 का तो लॉस नहीं कंसिडर करेगा, वो कम से कम लॉस करेगा, तो कम से कम लॉस गेन करना चाहेगा, तो यानी कि उसको क्या मतलब हुआ कि कम से कम लॉस गेन करना चाहेगा, तो बड़े वाला को वो सिलेक्ट नहीं करेगा, किसको करेगा, छोटे वाला को, और ए क्या करता है, बड़ा वाला को सिलेक्ट करता है, वो मैक्सिमम गेन चाहिए और बी को मिनिमम लॉस चाहिए। तो इसमें हम कॉलम में देखेंगे कि किसी एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे कॉलम के एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, कोई एक कॉलम जो है उसका एलिमेंट दूसरे कॉलम के एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर तुम देखो कौन सा कॉलम ऐसा होगा, जैसे फर्स्ट कॉलम को और थर्ड कॉलम को कंपेयर करो, तो ये एलिमेंट इससे बड़ा है और ये एलिमेंट इसके इक्वल है, यहाँ पर ये इसके इक्वल है, तो बी प्लेयर फर्स्ट कॉलम को यानी कि फर्स्ट स्ट्रेटजी को कभी वो सिलेक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको मैक्सिमम लॉस हो रहा है और यहाँ पर कम हो रहा है, इसके कंपेयर में कम लॉस हो रहा है, ये लॉस बताता है। तो यहाँ पर देखो 3 का लॉस होगा और अगर ये थर्ड स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करता है तो 2 का लॉस होगा, तो ये ज़रूर चाहेगा कि ये स्ट्रेटजी सेलेक्ट करें। यहाँ पर तो खैर सेम लॉस है, ये दोनों में लॉस सेम है, लेकिन इसमें लॉस जो है वो क्या हो जाएगा, इस थर्ड स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने पर कम लॉस होगा और फर्स्ट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने पर ज़्यादा लॉस होगा, तो इसीलिए प्लेयर बी जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि इस स्ट्रेटजी को वो सिलेक्ट करें, तो इस स्ट्रेटजी को हम लोग डिलीट कर देंगे, बी के लिए फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। अब इस 3 ही कॉलम को हम लोग कंसिडर करेंगे, इससे क्या होगा, पे ऑफ मैट्रिक्स का साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो सेकेंड रूल है कि अगर किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे कॉलम के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, तो बी प्लेयर कभी भी मैक्सिमम वाला को कंसिडर नहीं करेगा, उस स्ट्रेटजी को सिलेक्ट नहीं करेगा, तो उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे मैट्रिक्स से और सिर्फ यही बाकी लेंगे। तो ऐसे केस में कहते हैं कि थर्ड जो है वो डोमिनेट कर रहा है फर्स्ट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग तरीका हो जाता है,
प्लेयर ए चाहता है मैक्सिमम गेन, तो मैक्सिमम वाला जो है वो मिनिमम को डोमिनेट करता है, और प्लेयर बी चाहता है मिनिमम लॉस, तो मिनिमम वाला जो है वो मैक्सिमम को डोमिनेट करता है। तो ये थर्ड रो जो है वो फर्स्ट रो को डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन ए कॉलम से आरएथ कॉलम, सपोज करो आरएथ कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट जो है पी ऑफ मैट्रिक्स का आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर कॉलम से एसएथ कॉलम, आरएथ कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट एसएथ कॉलम से या तो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, देन द प्लेयर बी विल नेवर चूज द आरएथ स्ट्रेटजी, तो जिसमें ज़्यादा है उस स्ट्रेटजी को कभी भी वो सिलेक्ट नहीं करता है। इन अदर वर्ड्स द आरएथ स्ट्रेटजी इज डोमिनेटेड बाय एसएथ स्ट्रेटजी, आरएथ स्ट्रेटजी जो है वो डोमिनेट हो रहा है एसएथ से, जिसमें ज़्यादा है वो डोमिनेट हो रहा है किससे, कम वाला से। और एक थर्ड रूल है, थर्ड रूल के बारे में जरा समझोगे तो यहाँ पर हम लोग इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि सेकेंड और थर्ड का एवरेज निकालते हैं, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम का, तो ये दोनों का एवरेज मीन्स दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड कर देंगे, तो इसका सम आ रहा है सिक्स डिवाइडेड बाई टू मीन्स थ्री, ये दोनों का सम आएगा फोर और डिवाइड करेंगे तो टू, ये दोनों का सम आएगा एट और टू से डिवाइड करेंगे तो फोर, तो ये दोनों थर्ड और सेकेंड का जो एवरेज आ रहा है वो एवरेज यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब फर्स्ट स्ट्रेटजी को इस एवरेज से कंपेयर करते हैं, फर्स्ट स्ट्रेटजी का प्रत्येक एलिमेंट जो है इस एवरेज से या तो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, जैसे फोर थ्री से बड़ा हो गया, टू जो है वो इसके इक्वल है और फोर इसके इक्वल है, तो अगर ग्रेटर देन हो जाए तो इसको हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि सिर्फ सेकेंड और थर्ड स्ट्रेटजी को ही सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं बी के लिए देखते हैं कि अगर ज़्यादा हो रहा है बड़ा हो रहा है तो उसको हम लोग हटाते हैं, और ए के लिए क्या देखते हैं कि कम हो रहा है तो उसको हटाते हैं, तो बी के लिए इन्फेरियर ये हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा हो रहा है वो इन्फेरियर होगा, और ए के लिए इन्फेरियर कौन सा होगा, जो कम हो रहा है उस वो इन्फेरियर होगा। तो इन्फेरियर कॉलम को अगर कोई एक रो या एक कॉलम, मतलब कोई भी स्ट्रेटजी, प्योर स्ट्रेटजी अगर इन्फेरियर हो किससे, टू एन एवरेज ऑफ द टू और मोर अदर प्योर स्ट्रेटजी, तो जो इन्फीरियर होगा उसको हम लोग डिलीट कर देंगे और जो सुपीरियर होगा उसको हम लोग रखेंगे, तो सुपीरियर ये दोनों हो जाएगा और ये इन्फीरियर हो जाएगा, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने से क्या होगा कि पे ऑफ मैट्रिक्स का साइज कम हो जाएगा। अब देखते हैं एक सवाल जिसको हम लोग जो कल थ्योरम बताए थे उससे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज दिस, ये पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है। तो किसी भी गेम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग सेडल पॉइंट निकालते हैं, अगर सेडल पॉइंट निकल जाएगा तो वहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला चेक करते हैं कि सेडल पॉइंट इसका है कि नहीं, फर्स्ट वी ट्राई टू फाइंड द सेडल पॉइंट ऑफ द गेम। तो सेडल पॉइंट निकालने के लिए तरीका बता चुके हैं कि रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम निकालते हैं, तो इस रो का मिनिमम कौन सा है, रो का मिनिमम ये है, तो रो का मिनिमम को क्या करते हैं हम लोग सर्कल करते हैं, तो यहाँ पर माइनस टू लिख जाते हैं सर्कल करके, फिर सेकेंड रो का जो मिनिमम है वो माइनस वन है तो यहाँ पर लिख जाते हैं माइनस वन, और यहाँ पर जो मिनिमम है वो जीरो है तो जीरो को लिख जाते हैं, और कॉलम मैक्सिमम को क्या करते हैं, कॉलम में जो मैक्सिमम आ रहा है उसको हम लोग स्क्वायर पुट करते हैं वहाँ पर, तो इसमें से मैक्सिमम ये आ रहा है तो सेवन हो गया, यहाँ पर यहाँ लिख जाते हैं नीचे, और फिर इस कॉलम का मैक्सिमम जो है वो फाइव है तो फाइव यहाँ पर हम लोग लिख जाते हैं, और फिर इस कॉलम का मैक्सिमम जो है वो ट्वेल्व है तो ट्वेल्व में स्क्वायर पुट करते हैं, वो यहाँ पर भी लिख जाते हैं। अब ऐसा कोई एक एलिमेंट आना चाहिए जो रो का मिनिमम और कॉलम का मैक्सिमम भी हो, यानी सर्कल और स्क्वायर दोनों चीज़ वहाँ पर होना चाहिए, तो क्या कोई एलिमेंट में ऐसा है जो सर्कल और स्क्वायर दोनों है, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट में ऐसा नहीं, यानी कि इसका सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी गेम का सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। तो दूसरा मेथड में दो तरीका होता है, एक इसको रिड्यूस करके टू बाई टू ऑर्डर में ले आएंगे और फार्मूला से हम लोग बना लेंगे, या फिर एक ग्राफिकल मेथड होता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग टू बाई टू ऑर्डर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द टेबल दैट द गेम डज नॉट हैव ए सेडल पॉइंट, सेडल पॉइंट इसका नहीं है, देयर फॉर वी ट्राई टू रिड्यूस द साइज ऑफ द गिवन पी ऑफ मैट्रिक्स बाय द यूज ऑफ डोमिनेंस रूल। इसका साइज हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, और कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, जो अभी डोमिनेंस रूल पढ़े हैं उसी से। तो अब डोमिनेंस रूल के द्वारा हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक रो का, पहले रो के बारे में कंसिडर करते हैं कि किसी एक रो का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे रो के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से लेस देन और इक्वल टू है या नहीं।
तो तुम देखो थर्ड रो को और फर्स्ट रो को तुम कंपेयर करो, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि 6 जो है वो बड़ा है इससे माइनस वन से, और 0 जो है वो माइनस टू से बड़ा है, और 12 जो है वो 8 से बड़ा है। तो थर्ड रो का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रो के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से या तो ग्रेटर देन है या इक्वल टू, खैर इक्वल टू नहीं, यहाँ पर ग्रेटर देन ही है। तो यहाँ पर देखो कि सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ थर्ड रो इज ग्रेटर देन द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, देयरफॉर फ्रॉम प्लेयर एज पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, प्लेयर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि द प्योर स्ट्रेटजी वन इज डोमिनेटेड बाय द स्ट्रेटजी थर्ड, प्योर स्ट्रेटजी जो फर्स्ट है वो डोमिनेट हो रहा है, इसमें लेस देन है, और कौन डोमिनेट कर रहा है, थर्ड स्ट्रेटजी जो डोमिनेट कर रहा है, तो जो डोमिनेट हो रहा है उसको हम लोग हटा देंगे। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी डोमिनेट हो रहा है, प्लेयर ए जो है वो कभी भी फर्स्ट स्ट्रेटजी को नहीं चाहेगा सेलेक्ट करना, क्यों नहीं चाहेगा, क्योंकि इसमें जो है उसको कम गेन हो रहा है और इसमें उसको ज़्यादा गेन हो रहा है। तो सो वी गेट द फॉलोइंग रिड्यूस्ड मैट्रिक्स, अब हम लोग को एक रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट को अब डिलीट कर देंगे, यहाँ पर हम लोग नहीं रखेंगे, तो सिर्फ सेकेंड और थर्ड स्ट्रेटजी रखेंगे और ये बाकी रहेगा, तो सिर्फ सेकेंड और थर्ड स्ट्रेटजी रखे हुए हैं, यहाँ पर ये सेकेंड हो जाएगा और ये जो है वो थर्ड स्ट्रेटजी हो जाएगा। तो सेकेंड में 7 5 -1 था और थर्ड में 6 0 12 था। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर डोमिनेंस रूल से कॉलम का साइज को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे, रिड्यूस करने का। अब दो रो तो हो गया, अब कॉलम भी हम लोग दो ले आएंगे, तो कॉलम में हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि किस कॉलम जो है उसको हटाया जा सकता है। तो तुम देखो इस दोनों को कंपेयर करोगे, इस दोनों को कंपेयर करोगे तो 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है और 6 भी ग्रेटर देन 0 है। तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैक्सिमम लॉस तो कभी नहीं चाहेगा, तो मैक्सिमम लॉस नहीं चाहेगा, तो ये 7 6 जो है वो डोमिनेट हो रहा है, किस रो से डोमिनेट हो रहा है, सेकेंड रो से, क्योंकि इसमें ज़्यादा है, देखो इस ये एलिमेंट जो है वो इससे ज़्यादा है, ये एलिमेंट इससे ज़्यादा है, ग्रेटर देन है। तो फर्स्ट को हम लोग डिलीट करेंगे और सिर्फ हम लोग क्या रखेंगे, सेकेंड और थर्ड को। तो चलो आगे देखते हैं इसके बारे में। तो जैसे अभी हम बता रहे थे कि फर्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो डोमिनेट हो रहा है, किस स्ट्रेटजी से, सेकेंड स्ट्रेटजी से, तो फर्स्ट स्ट्रेटजी को हम लोग डिलीट कर देंगे, यहाँ से टेबल से रिमूव कर देंगे, तो बच जाएगा 5 0 -1 12। तो यहाँ पर 5 0 -1 और 12 यही बच रहा है, सेकेंड और थर्ड स्ट्रेटजी बच रहा है प्लेयर बी के लिए। तो फ्रॉम द प्लेयर बीज पॉइंट ऑफ व्यू द प्योर स्ट्रेटजी वन इज डोमिनेटेड बाय द स्ट्रेटजी सेकेंड, वन जो है वो डोमिनेट हो रहा था सेकेंड से, देयर फॉर द रिड्यूस 2x2 मैट्रिक्स इज एज फॉलोज, 2x2 मैट्रिक्स बना लिए यहाँ से रिड्यूस करके, हम लोग क्या किए कि फर्स्ट वाला को हटा दिए, फर्स्ट डोमिनेट हो रहा था सेकंड से, तो फर्स्ट हटा दिए, तो ये जो बच रहा है वही यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इसका सेडल पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, जब रिड्यूस हो गया उसके बाद भी फिर सेडल पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, अगर सेडल पॉइंट निकल जाएगा तो वहाँ से भी सॉल्यूशन निकल सकता है। तो सेडल पॉइंट अब इसका भी नहीं होगा, क्योंकि पहले का जब नहीं निकला था तो अभी भी नहीं निकलेगा, तुम चेक कर सकते हो। क्या करते हैं हम लोग, रो का क्या निकालते हैं, मिनिमम निकालते हैं, तो रो का मिनिमम कितना आ रहा है, -1, और इसका मिनिमम कितना आ रहा है, 0। कॉलम का मैक्सिमम है 5, यहाँ पर कॉलम का मैक्सिमम है 12। कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, तो नहीं, यानी कि सेडल पॉइंट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करे तो वो जरूर क्या होता है, मिक्स स्ट्रेटजी वहाँ होगा, उसका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा वो मिक्सड स्ट्रेटजी होगा, प्योर स्ट्रेटजी नहीं होगा। प्योर स्ट्रेटजी में सेडल पॉइंट हो जाता है, यानी कि कोई एक ही रो या कोई एक ही कॉलम को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो यहाँ सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो नाउ दिस 2x2 गेम हैज नो सेडल पॉइंट एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, सॉरी कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस भी नहीं कर सकते हैं, और भी अब आगे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्यों, डोमिनेंस रूल से अगर तुम देखोगे तो इस कॉलम को इस कॉलम से कंपेयर करो, ये तो बड़ा है इससे लेकिन ये छोटा है, तो और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। या इस रो को कंपेयर करते हैं, तो इस रो को कंपेयर करते हैं तो ये 5 बड़ा है 0 से लेकिन -1 12 से छोटा है, तो एक रो का लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए दूसरे से, तब डोमिनेंस रूल अप्लाई होता है। तो यहाँ तो वैसा नहीं है, तो अब फिर इसको साइज को रिड्यूस और आगे नहीं कर सकते हैं। तो द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी विल मिक्स्ड स्ट्रेटजी, अब जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगा कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, तो द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी विल बी मिक्स्ड स्ट्रेटजी, अब जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगा वो मिक्स्ड स्ट्रेटजी होगा, प्योर स्ट्रेटजी नहीं होगा। तो इफ ए चूज, मिक्स्ड स्ट्रेटजी में क्या करते हैं, कैसे तरीके बनाते हैं सवाल को, सपोज कर लेते हैं कि ए जो है, अब ए के पास 2 स्ट्रेटजी है, तो इसको सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी x1 है और इसको सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी x2 है, ये मान लेते हैं कि
ए प्लेयर सेकेंड स्ट्रेटजी को x1 प्रोबेबिलिटी से सेलेक्ट कर रहा है, थर्ड स्ट्रेटजी को x2 प्रोबेबिलिटी से। इसी तरीके से बी प्लेयर का सेकेंड और थर्ड स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी y1 और y2 हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो इफ ए चूजेज हिज सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रेटजी विथ प्रोबेबिलिटीज x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली एंड बी चूजेज हिज सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रेटजी विथ प्रोबेबिलिटीज y1 एंड y2 रिस्पेक्टिवली, तो हम लोग को x1 निकालने का एक फॉर्मूला पता है। कल जो थ्योरम बताए थे उस थ्योरम में x1 का वैल्यू निकालने का था तरीका, तो x1 निकालने का यही फॉर्मूला है a22 माइनस a21 डिवाइडेड बाय a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर a11 क्या है, a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो a के जगह वहाँ पर भी हो सकता है, या तो a हो सकता है या पर फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं भी यहाँ पर v22 माइनस v21 भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हो। पहले जो हम थ्योरम बताएं उसमें भी आई जे लिखा हुआ था, पे ऑफ मैट्रिक्स को भी आई जे ए आई जे भी लिख सकते हो वहाँ पर। तो a11 यही हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, a11 हो गया 5 और a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है माइनस वन। फिर a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 0 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है यहाँ पर 12। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, a22 का वैल्यू कितना है 12 माइनस a21 का वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय a11 का वैल्यू है 5, a22 का वैल्यू है 12 और माइनस a12 का वैल्यू है माइनस 1 और a21 का वैल्यू है 0। तो यहाँ आ रहा है ये 12 डिवाइडेड बाय ये हो गया 5 प्लस 12 17 और प्लस 1 18, यानी कि ये कैंसिल होकर के आ रहा है 2/3। तो x1 का वैल्यू निकल गया और दूसरा फिर हम लोग x2 निकालते हैं, तो x2 निकालने का फॉर्मूला होता है a11 माइनस a12 डिवाइडेड बाय a11 प्लस a22 नीचे सेम रहेगा माइनस a12 प्लस a21। थोड़ा सा इसको याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो कि x1 में a22 होता है और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ 21 होगा, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो पहला 2 होगा और दूसरा 1 होगा, और x2 में 11 होता है तो 11 होता है तो पहला जो स्टार्ट हो रहा है 1 से होगा और फिर 1 के बाद फिर 2 आएगा और नीचे तो खैर सेम रखना है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, a11 का वैल्यू कितना हो गया 5, a12 का वैल्यू हो गया माइनस 1 और डिवाइडेड बाय ए नीचे तो वही रह जाएगा, नीचे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 18, ऐसा लिख दे रहे हैं 5 प्लस 12 माइनस माइनस 1 प्लस 0, तो ये आ रहा है 6 ऊपर में और नीचे तो वही 18 आएगा, तो ये कैंसिल होकर के कितना हो गया 1/3। अब ये दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो तुम चेक करके देख सकते हो कि ये सही है या नहीं। तो 2/3 प्लस 1/3 3/3 तो 1 आ जाएगा ना। और फिर y1 निकालने का फॉर्मूला होता है, तो y1 निकालने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो होता है a22 माइनस a12 और नीचे वही रहता है a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a22 का वैल्यू कितना है 12 है और माइनस a12 का वैल्यू है माइनस 1 और डिवाइडेड बाय a11 का वैल्यू नीचे तो वही आएगा 18 आएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है 13/18। इसी तरीके से y2 निकाल सकते हो, y2 का फॉर्मूला हो जाएगा a11, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, जस्ट उल्टा है, ये 2 से 2 पर था, यहाँ पर 2 था तो यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 है तो यहाँ से 2 से स्टार्ट होगा a21 और डिवाइडेड बाय a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21 और इसका वैल्यू आएगा a11 का वैल्यू है 5 और a21 का वैल्यू है 0 और नीचे तो वही 18 आएगा, तो ये कितना आ गया 5/18। ये दोनों का सम तुम चेक करो कि 1 आना चाहिए y1 प्लस y2, तो 13/18 प्लस 5/18 18/18 जो 1 के इक्वल आ रहा है। और वैल्यू ऑफ द गेम निकालने का भी फॉर्मूला था, देखो वैल्यू ऑफ द गेम निकालने का फॉर्मूला था a11 इंटू a22 माइनस a12 इंटू a21 डिवाइडेड बाय ये दोनों का सम है a11 प्लस a22 और यहाँ पर माइनस a12 प्लस a21। तो a11 का वैल्यू 5, a22 का वैल्यू 12
और माइनस ए वन टू का वैल्यू माइनस वन और इसका वैल्यू जीरो डिवाइडेड बाय नीचे नीचे तो वही है तो नीचे का वैल्यू कितना आएगा 18 आएगा तो ये कितना आ गया ये तो जीरो हो गया तो 60/18 और जो कैंसिल होकर के हो जाएगा 10/3 हो जाएगा ये डिवाइड होकर के 10/3 हो जाएगा तो ये वैल्यू ऑफ द गेम निकल गया। लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि हेंस एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन गेम इज ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज 0/2/3/1/3 क्यों क्योंकि ये रिड्यूस हो चुका था 2/2 गेम में और ए प्लेयर के लिए x1 और x2 हम लोग प्रोबेबिलिटी मान लिए थे ये सेकेंड और थर्ड स्ट्रेटजी बना था बचा था प्योर स्ट्रेटजी और x1 का वैल्यू 2/3 आया था x2 का वैल्यू 1/3 फर्स्ट प्योर स्ट्रेटजी यहाँ पर नहीं है तो फर्स्ट प्योर स्ट्रेटजी को सिलेक्ट नहीं करेगा यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगा और सेकेंड का x1 है और x1 का वैल्यू 2/3 और थर्ड है x2 जिसका प्रोबेबिलिटी 1/3 तो फर्स्ट का जीरो सेकेंड का 2/3 और थर्ड का 1/3 तो 0/2/3/1/3 इसका ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी का हो गया ए प्लेयर के लिए और इसी तरीके से ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी बी प्लेयर के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगा ये फर्स्ट स्ट्रेटजी प्योर स्ट्रेटजी सिलेक्ट नहीं करेगा सेकेंड और थर्ड ही सिलेक्ट करेगा रिड्यूस हो चुका है 2/2 में और सेकेंड का प्रोबेबिलिटी है y1 जिसका 13/18 वैल्यू आया है और y2 का 5/18 वैल्यू आया है तो फर्स्ट स्ट्रेटजी नहीं सिलेक्ट कर रहा है उसका प्रोबेबिलिटी 0 सेकेंड का 13/18 और थर्ड का 5/18 तो 0/13/18/5/18 एक ब्रैकेट में लिख देंगे ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी हो गया प्लेयर बी के लिए यही ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगा प्लेयर बी के लिए एंड द वैल्यू ऑफ द गेम 2a और ये ए के लिए ये गेम पे ऑफ मैट्रिक्स था तो वैल्यू ऑफ द गेम जो है वो 10/3 निकला तो वैल्यू ऑफ द गेम हो गया 10/3 तो इस तरीके से हम लोग जिस प्रॉब्लम का सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है वैसे सवाल को हम लोग पहले 2/2 में ऑर्डर में रिड्यूस करेंगे पे ऑफ मैट्रिक्स को डोमिनेंस रूल से और उसके बाद जो फार्मूलाज है x1 x2 y1 y2 वगैरह निकालने का उस फार्मूला का यूज करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे और फिर लास्ट में हम लोग इस तरीके से सॉल्यूशन उसका लिख देंगे ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी हो गया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अपना फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे लाइक करेंगे और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बस यहीं तक। धन्यवाद।